फैक्ट नंबर वन गाइस, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसे में एक हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। जी हाँ गाइस, एक बच्चे ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से अकेले 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और स्लोवाकिया पहुंच गया, और इस बच्चे की उम्र महज 11 साल है। बच्चे के माँ बाप यूक्रेन नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए अकेले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। इस बच्चे के हाथ में एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था और माँ द्वारा लिखा गया एक संदेश भी था। एक मुश्किल यात्रा पूरी करने के बाद ये लड़का जब स्लोवाकिया बॉर्डर पर पहुंचा तो उसने अपनी स्माइल, ब्रेवरी और काइंडनेस से स्लोवाकिया अधिकारियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद स्लोवाकिया के गृह मंत्रालय ने इस बच्चे को पिछली रात का सबसे बड़ा नायक कहा। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये महज 11 साल का बच्चा है। सलाम है इसके हौसले को। फैक्ट नंबर टू, ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है, और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी, और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैक्ट नंबर थ्री, ब्यूटी और फैशन कंपनी नायका आज पूरी दुनिया में फेमस है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। दरअसल नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर हैं, जो कि पहले एक बैंकर थी और भारतीय कंपनियों के संस्थापकों को पैसा जुटाने के लिए यूरोप और अमेरिका में रोड शो करने में मदद करती थी, जिससे उन्हें निवेश और शेयर बाजार का अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने साल 2012 में अपने स्टार्टअप नायका के लिए किया, जिसके बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स और बिजनेसमैन ने नायका में इन्वेस्ट किया, और आज नायका देश में ब्यूटी प्रोडक्ट की टॉप ई कॉमर्स साइट में शामिल है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट आज ही खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फैक्ट नंबर फोर, जिन लोगों की नजर कमजोर है और जो लोग मेरी तरह आंखों पर चश्मा लगाते हैं, उनके लिए मेडिकल साइंस ने एक चमत्कारी आई ड्रॉप बनाया है। जी हाँ गाइस, इस आई ड्रॉप का नाम है ब्यूटी आई ड्रॉप, जिसको आंखों में डालने के बाद नजर तेज हो जाती है और चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस आई ड्रॉप का शुरुआती ट्रायल 750 मरीजों पर किया गया था, जिसके नतीजे काफी असरदार रहे हैं, और इस वजह से अमेरिका के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूवल दे दिया है। आपको बता दें कि इस एक आई ड्रॉप की कीमत 6000 रुपए है। फैक्ट नंबर 5, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसका सपना काम वाली बाई बनने का था। और तो और, अपने सपने को पूरा करने के लिए उस महिला ने 40 लाख रुपए सालाना की जॉब तक छोड़ दी। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, 40 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर वो महिला अब काम वाली बाई बन गई है, और अब वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती है। ऐसे तो अब वो महीने में अपनी पुरानी सैलरी का सिर्फ 30% ही कमाती है, मगर इस नौकरी से अब वो बहुत खुश है, क्योंकि अब वो अपनी बुजुर्ग माँ और अपनी बहन के साथ ज्यादा वक्त बिता पाती है। सो गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।